जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा की सीटें आती हैं। 10 पर कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार कब्जा किया था, 6 पर बीजेपी ने, 3 निर्दलीय के हिस्से में आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है कि 19 में से ज्यादा से ज्यादा सीटें उसको मिले। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर से उन हिस्सों से होकर गुजर रहे हैं जहां पर जीत का मार्जिन पिछली बार कम रह गया था, और इस बार वहां पर बीजेपी को बड़ी बढ़त की उम्मीद है। आगे क्या होगा इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन राजस्थान में रैलियों का रेला लगातार लगा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज सियासी मैदान में है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी जनता के बीच पहुंचे। इसके अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग हिस्सों में रोड शो और रैलियां की हैं। दोनों ही पक्षों ने, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस ने, इस दौरान एक दूसरे पर जमकर हमला किया। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। और अदानी का काम आपकी जेब काटने का है। मैं तय कहूंगी, महिला अत्याचार पे जब विधानसभा में प्रदेश में चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के नेता ने महिलाओं के खिलाफ निम्न स्तर का एक वाक्य कहा और कांग्रेस के आला कमान ने उस कांग्रेस के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये वही कांग्रेस का आला कमान है जो चुप चुप्पी साध कर बैठ गया। जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में निम्न स्तर की टिप्पणी प्रदेश की महिलाओं के ऊपर की, तो कांग्रेस कन्वीनियंस की राजनीति करता है। कांग्रेस का नेतृत्व और विशेषतः गांधी परिवार की महिला नेत्रियां क्यों चुप्पी साध कर बैठी रही, ये प्रश्न उठता है। भैया गहलोत की सभा में मत जाना, लाल कपड़ा देकर गहलोत जी सांड की तरह बिफर जाए। मालूम है ऐसा क्यों होता है? मालूम है क्योंकि उनको लाल डायरी से डर लगता है। लाल डायरी से डर लगता है, लाल डायरी में इनके भ्रष्टाचार के सारे कारनामे हैं। याद करिए उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े माफिया थे, अजगर जैसे माफिया थे, और इनके लिए मैंने एक नया अनुसंधान किया था यूपी में, और आज वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। आप देखते होंगे ना माफिया को रौंदते हुए बुलडोजर कैसे यूपी में चलता है। सवाल है कि आखिर 3 दिसंबर को राजस्थान में कौन बनाएगा सरकार, जनता किसके वायदों और दावों पर करेगी भरोसा। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने अपने वायदों का पिटारा खोला। मतदान से 3 दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कई वायदे किए गए, तो वहीं एक बार फिर जाति गणना की गारंटी लेकर चुनावी मैदान पर यह पार्टी उतरी, जिस पर लगातार राजस्थान में हो रही है सियासत। राजस्थान चुनाव से 4 दिन पहले अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों का घोषणा पत्र जनता के सामने है। मतदान से पहले जनता दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र के वादों का पूरा विश्लेषण करेगी। बड़ा सवाल ये है कि किसका घोषणा पत्र राजस्थान में चुनावी जीत की गारंटी होगा। प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन जो है 22 के अंदर 8.10% की बढ़ोतरी हुई है, जो राष्ट्रीय दर से दुगनी है, जो 13-14 के बाद सर्वाधिक बढ़ोतरी है। टैक्स रिफॉर्म के बाद रेवेन्यू की राजस्थान के अंदर जब रेवेन्यू आ रही है उसका फायदा हम ले रहे हैं, इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था इन पर 15 लाख करोड़ की हो जाएगी, और हम अगले 7 साल जो 2030 की बात की है वहाँ हमारा लक्ष्य 30 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यूं तो चुनावी समर में दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन कांग्रेस जाति वाली लड़ाई को जीत का आधार बनाने की कोशिश में लगी है। वहीं बीजेपी पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में जुटी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जाति जनगणना कराने का वादा किया है, क्योंकि राजस्थान के चुनावी रण में ओबीसी वोटों पर बड़ा संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस मोदी से नफरत करती है, और ये कांग्रेस की नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि वो मोदी की जाति से भी नफरत करने लगी है। बीते अनेक महीनों से कांग्रेस मोदी के बहाने पूरे ओबीसी समाज को गाली दे रही है। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की उस दिन नरेंद्र मोदी जी का नया भाषण आता है, कहते हैं भाइयों और बहनों देश में कोई जात नहीं,
देश में सिर्फ गरीब। अच्छा भाई, तो फिर आप ओबीसी क्यों कर रहे हो? राजस्थान की राजनीति में ये लड़ाई इतनी अहम है कि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पीएम मोदी की जाति का जिक्र करते हुए जाति जनगणना को बेहद जरूरी बता दिया। मोदी जी बोलते हैं यस, मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूँ, घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले, वो जब चीफ मिनिस्टर बने आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से, अशोक साहब उनको भी दे दो जरा, ये जाति जनगणना में अगर उनके लोग पीछे हैं तो। साफ है कि राजस्थान की चुनावी लड़ाई जाति की गिनती वाली सियासत पर आ गई है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। ओबीसी कमीशन ओबीसी में, स्केड्यूल कास्ट कमीशन स्केड्यूल कास्ट के लिए, एसटी कमीशन एसटी जातियों के लिए, और उस ये तीनों ही संस्थाएं जो है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उनके काम के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार इनको किसने दिया है और किस तरह से इन्होंने सफेद झूठ बोला है, ये इनकी दृष्टता की पराकाष्ठा है। जाति वाले सवाल के बीच बीजेपी भ्रष्टाचार के जाल और पेपर लीक के सवाल पर कांग्रेस को घेर रही है। घोषणा पत्र में बीजेपी ने पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन की बात कही है। परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा, ये भी मोदी की गारंटी है। राजस्थान में कांग्रेस को हटाकर सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं कांग्रेस गहलोत सरकार की योजनाओं और चुनावी वादों के दम पर जीत का भरोसा जता रही है। जयपुर से देवंकुर और शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, शराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजिल नहीं बन रही, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नौ सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, शराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की मंजिल नहीं बन रही, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, नौ सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।
मुद्दों का मैदान, शराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी? न्याय की नींव नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखें मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। न पक्ष न विपक्ष, न लेफ्ट न राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।